तो अभी बेटा जैसे देखोगे जो यहाँ पे लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका दो डायग्राम है ए एंड बी। ओके, तो हमने फोर्स लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो Q Q0/r2, तो फील्ड क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r2। Q0 के लिए कितना था फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0/r2, तो 1 के लिए कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0/r2 × Q। कैसी हो गया? तो यूनिट पॉजिटिव सर जो फोर्स फील करता है, ठीक है ना? ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस वन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो अभी मतलब कोई हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो क्या होगा? फील्ड लाइन में से जाएगा, आउटवर्ड जाएगा पॉजिटिव से बाहर की तरफ। भाई मतलब माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, ये वाला माइनस क्यू चार्ज अंदर आएगा, अंदर आएगा। ओके, ये वाला फिगर जो तुम्हारा था दैट वाज ए फिगर, और ये वाला था दैट इज बी। ओके, चेक करो, दैट वाज द आउटवर्ड, और ये वाला माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनवर्ड है। ओके, कौन सा है? इनवर्ड है इस तरह, और ये वाला आउटवर्ड। क्लियर? क्यों इसके पर? ओके, और जो आर कैप जो होते हैं, आर जो कैप होता है डायरेक्शन वाला, ओके। इसके बाद देखोगे यहाँ पे जो फिल्म के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच पॉइंट्स। ओके, ये तुम्हारा ये है, तुम वहां पे रीड करोगे, डाउट होगा तो इसके बीच में कॉल करोगे, तीन नंबर जो हम तुमको दिए कॉल करके पूछो, ठीक है? नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि जो इस जगह पे लिखा होता है कि जो चार्ज है ये जो पॉइंट्स लिखते हैं ये वाले, ये जो हम लोग को इस जगह से क्या मिल रहा है, ये इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, अदरवाइज लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, दैट इज फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज लिखते। तो अभी इस जगह पे जो लिखा है देखो, इस जगह पे जो लिखा है ई लिमिट क्यू टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू, ये जो लिखा है, ये जो क्यू टेंस टू जीरो दैट मींस वेरी 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 लेस, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज शुड नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ क्यू, ये जो जो फील्ड ऑफ क्यू ये जो था ना, इसको लेके आ लेते, ये वाला इतना लेस होगा क्योंकि इसकी जो फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं करे। टेस्ट चार्ज शुड नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ क्यू। ओके,
तो मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये वाला जो इतना स्मॉल चार्ज होते हैं, देखो नेग्लिजिबल स्मॉल, क्यू इट सेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू क्यू एंड विल टेंड टू मूव. ए वे आउट ऑफ द डिफिकल्टीज इज टू मेक क्यू नेग्लिजिबल स्मॉल, द फोर्स एफ देन नेग्लिजिबल स्मॉल, बट द रेशियो इज फाइनाइट एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ए प्रैक्टिकल वे टू गेट द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग क्यू अंडर स्ट्रेन पीसेस ऑफ क्यू टू होल्ड क्यू इन इट्स लोकेशंस बाय अनस्पेसिफाइड फोर्स, दिस मे लुक स्ट्रेंज. ओके, ये चीज लिखा है, तो इसके बारे में लिखा है, इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा डाउट होगा पूछो. ये हो गया तुम्हारा डिस्चार्जिंग के बारे में, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम. ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की बात है. ओके, उसके लिए ये वाला है, इसका फील्ड, इसका फील्ड, इसका फील्ड, सभी इसके ऊपर अप्लाई हो रही. ओके, तो क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा. ER जो होगा, E1 फर्स्ट के वजह से, सेकेंड के वजह से, थर्ड के वजह से, EN के वजह से, टोटल ऐड हो जाएंगे. क्या लिख दिया, देखो सिग्मा लिख दिया. ओके, तो फील्ड जो है, फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सो फील्ड ऐड हो जाएंगे. ओके, अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है 1.8.2, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसका मेन वर्ड यहाँ पे है, द फील्ड पिक्चर इज द एक्सिलरेटेड मोशन. देखो यहाँ पे लिखा है, द फील्ड पिक्चर इज द एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव व्हिच देन प्रोपगेटेड विद द स्पीड ऑफ सी रीच Q2 एंड कॉज ए फोर्स ऑन Q2. ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है, इस जगह, इस पेज, ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्जेस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डील विथ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना. That is, suppose we considered the force between two distant charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 in accelerated motion. Okay, जब accelerated motion में बात करते हैं, speed with which the signal information can go from one point to another is the c. Thus, the effect of any motion Q1 and Q2 can arise इंटरनेशनली. ओके, दिस विल बी सम डिले बिटवीन द इफेक्ट ऑफ Q1 एंड कोर्स. तो द फील्ड पिक्चर मीन्स व्हाट, Q1 चार्ज. अभी ये जब इसके तरफ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, जो ये जो है तो लाइट में, स्पीड ऑफ लाइट में चलते हैं और यहां पे पहुंचते हैं, तो दैट फोर्स क्रिएट करता है. पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से जाएंगे, लाइट की स्पीड पे जाएंगे, जाते जाते यहाँ पे पहुंचेंगे और इसकी जगह पे फोर्स क्रिएट करेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस. तो देखो इसमें जो सिग्निफिकेंस वर्ड लिखा है, द फील्ड पिक्चर इज दिस, द एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज Q1
Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed of light p, reach Q2 and cause a force on Q2. This is the significance. Okay, so इसके मतलब ये जो है यहाँ से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये स्पीड ऑफ लाइट में जाएगा 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे पहुंचेगा और फोर्स इसके ऊपर क्रिएट करेगा. ओके, फोर्स क्रिएट करेगा. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसके बाद तुम्हारे 1.8 एग्जांपल है. 1.8 ये भी होमवर्क पे हो जाएंगे. एग्जांपल 1.8 करो. ठीक है, 1.8 में क्या दिया देखो. इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन न्यूटन पर कूलम. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स. तो पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव था. अभी क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स हो गया. पहले इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था, अभी प्रोटॉन जो है वो नीचे आएगा. Direction of field. Positive to negative. Electron. Electron किधर जाता है? Negative to positive. That means opposite to प्रोटॉन की तरह जाते हैं. प्रोटॉन जो है मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. प्रोटॉन जो है किधर मूव करेंगे, मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो अभी देखो, जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है और जो प्रोटॉन है इसको पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है, दोनों आ रहा है. ओके, इसके लिए जो एक्सीलरेशन होता है E/mE होती है, वो भी पता है. तो F इक्वल्स टू क्या होता है, MA. A इक्वल्स टू F बाय M. F by M. अब ये दूसरा पार्ट होता है E upon, that is E equals to F upon Q. F equals to EQ. F equals to क्या होता है, E into E. इस तरीके से तो देखो, तो इसको ऐसा लिखा है E into E upon ME. तो इलेक्ट्रॉन के लिए acceleration of electron equals इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू ई और मास ऑफ ई. क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इतना है. तो अभी देखो, जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका होगा, दोनों का एक्सीलरेशन. अभी टाइम पूछा, टाइम इक्वल टू 2h / a बता रहा है.
टाइम इक्वल्स टू 2f अपॉन a, बिकॉज देखो f इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, क्यों तो यहां पे जीरो है, a इक्वल्स टू 0 into t प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू at स्क्वायर अपॉन टू, t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन a, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन a, ओके दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर दो 2h me अपॉन e, बिकॉज ये जो है ना इलेक्ट्रॉन का वैल्यूज पुट करूंगी यहां से, तो हाइट वाइट दिया तो इतना सेकेंड्स आ जाएगा, ओके प्रोटॉन के लिए भी सेम चीज होगी, मैग्नीट्यूड में उसमें पुट करोगे प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए कितना आएगा 1.3 × 10⁻¹⁷ सेकेंड, दैट्स द हेवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, ओके प्रोटॉन का वेलोसिटीज कितना होगा, देखो एक्सीलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इतना लग रहा है, प्रोटॉन का इतना है, ओके क्लियर, ये कितना देखो 1.9 × 10⁻¹২ और जी का वैल्यूज कितना होता है 9.8 × 10⁻², तो क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन इच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए पहले यहाँ पे कंपेरिजन भी कर देंगे, ये इतना आ रहा है और ग्रेविटी में एक्सीलरेशन इतना होता है, ओके और टाइम इसके लिए प्रोटॉन के लिए इतना लग रहा है और इलेक्ट्रॉन के लिए इतना टाइम लग रहा है, क्यों देखो टाइम है तो जिसका मास लेस है उसका एक्सीलरेशन जिसका मास लेस होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, बिकॉज ई और ई तो ये कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो मास ऑफ ई इज लेसर देन मास ऑफ टी, एक्सीलरेशन ऑफ ई इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ टी, इस मास जो है ये क्या होता है कि जो है लेटर है मास ऑफ प्रोटॉन से, एक्सीलरेशन ऑफ टी ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ, सो पी विल टेक मच मोर टाइम, ओके तो P will take, proton will take more time than electron. क्यों? Because acceleration of P greater than acceleration of P. कहाँ से आया? इस जगह से आया. Okay. तो इस जगह पे देखो एक वर्ड लिखा है हेवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स गेटर टाइम, मिल गया बेटा गेटर टाइम, प्रोटॉन गेटर टाइम टू फॉल दिस सिचुएशन, ओके क्लियर, और ग्रेविटेशन में क्या होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट of mass because what okay, is वहां पे जो acceleration है constant है, क्यों constant है 9.8 meter per second, ये gravitation है, ग्रेविटेशन फील्ड, ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो
is inversely proportional to m. M is lesser than p. Acceleration of p greater than total. Therefore, time differs because acceleration depends on mass. Acceleration depends on mass. Okay. तो इसके बाद तुम्हारा देखो एग्जाम्पल 9 है 1.9. एकदम सीधे क्वेश्चन है बेटा, यहां तक आ जाएगा. दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, मैं बोर्ड में भी बता रहा हूं. में देखोगे ये जो यहां पे फील्ड फाइंड करना है. ओके बेटा, यहां पे फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना. क्या बोले? पॉइंट चार्जेस q1 q2 ऑफ दिस वन एंड दिस मच आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. ए मींस यहां पे. एट बी. एट सी. ओके, तो जब सी पॉइंट में तुम फाइंड करोगे यहां पे जो चार्ज रखा है दैट इज q1, इसमें जो चार्ज रखा है q2, ओके, उसमें जो q1 q2 -10^-8 कूलॉम है. तो इसके मतलब इधर फोर्स लगेगी फील्ड इधर और प्लस प्लस हो जाएगा. इसको इधर तो फाइंड करना है और क्वेश्चन में ये 0.1 मीटर दैट मींस क्या 120 डिग्री आएंगे. इसको करोगे दैट इज e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस e1 इनटू cos 120. इससे नहीं तो बुक में जैसा दिया मैं भी कर सकता. इसका कॉस कंपोनेंट निकाल लिया, कॉस थीटा निकालो, e1 कॉस थीटा निकालो, ये जो है ना, ए बी थीटा है, ए बी थीटा है, ए थीटा ए बी थीटा, और साइन कंपोनेंट और e2 साइन. ये तो साइन वाला और e2 साइन थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा और जो है तुम्हारा e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा. ये हो गया फर्स्ट मेथड. ये होता सेकेंड. एनी मेथड में तो फाइंड कर सकते. जैसे देखो टॉप वाले पोर्शंस का देखो, इसमें ऐसा करके लिखा है, ये दोनों ऐड कर दिया. तुम क्या कर सकते हो इसमें, ये जो यहां पे दिया तुम डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इजीली हो जाएगा. बिकॉज ये जो थीटा इज 120 होता है 60 60 60 और 120. ओके, कोई भी मेथड में कर सकते हो. उसके बाद जब बता
कैसे कर सकते हैं बना। तो बुक में देखो ये पार्ट दिया है, डायरेक्शन इन व्हिच दिस फील्ड टू, ये देखो ए वन कॉस ए 60 डिग्री, ए 60 ऐड कर दोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। और दूसरा देखोगे ये तो ए सी पॉइंट का होता है, ए पॉइंट का तो आराम से फाइंड कर लोगे एंड बी पॉइंट का भी फाइंड कर लोगे, ओके, उसको ए एंड बी बहुत इजी टाइप का आराम से फाइंड करोगे, ओके, डिफिकल्टीज होगा तो कॉल करोगे। तो जो बी पॉइंट ए पॉइंट एज वेल एज बी पॉइंट इजी है, ठीक है बेटा, सेल्फ कर लो बी पॉइंट। हाँ बी पॉइंट का ही बता, अभी बी पॉइंट की बात करते हैं, जब क्लास कॉलम होती है, ओके, तो ए और बी आउटवर्ड फोर्स देगा, फील्ड इसका इधर होगा, इधर थोड़ा सा इसकी डायग्राम में 0.05 मीटर, ओके, ये वाला भी 0.05 मीटर, ओके, और ये वाला 0.1 मीटर, ये वाला 0.1 मीटर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आउटवर्ड होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा ऐसा कौन सा फील्ड होगा, पर टू की वजह से जो फील्ड होगा इधर दैट विल बी ई टू, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इधर और इधर। तो ये जो है जो ई वन की बात होगी, E1 की जो बात हो, E1 कौन सा, E1 कहाँ पे रखा है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 10 × 10⁻¹⁹ इंटू क्यू कितना 10⁻¹⁹ डिस्टेंस कितना 0.05 कितना 0.0, तो हम लोग का 0.1 और 0.0 0.1 करने के लिए इसके वाले जो फील्ड इधर हो रहा है और इसके वाले जो फील्ड उस तरह से इधर जा रहा है इधर। अभी E1 is greater than E2, तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड एट बी E1 माइनस E2, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो फील्ड एट बी इस तरफ होगा, बिकॉज E1 इधर, E1 डायरेक्शन इधर होगा और नेट फील्ड इतना, ओके। तो अभी इसको चेक करो, तुम्हारा जो था बी पॉइंट की बात था, ये देखो इसमें दिया है बेटा, इसमें दिया है, उसके बाद माइनस किया है और डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट के तरफ है, बात क्लियर। तो
वही क्या होगा, लेफ्ट के तरफ होगा। अभी नाउ रिगार्डिंग ए सेल पर डाउट होगा तो कॉल करो, ओके ट्राई करो, ओके बिकॉज सी तो हो गया, बी हो गया, और एक पॉइंट के लिए ट्राई योर सेल तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट विल बी ओके, हो गया तो ठीक है, बोलो डिफिकल्ट लग रहा है। बेटा आज के जो टाइम जो है ना खत्म हो गया, ठीक है बेटा, बेटा आज के टाइम जो है यह तक खत्म हो गया, नहीं तो इसके बाद मोबाइल ऑफ कर देना। तो 1.9 टॉपिक जो 1.9 1. जो भी है 10 1.11 नेक्स्ट टाइम होगा, ओके मॉर्निंग में टुमारो होगा, ओके और मैं इंटीमेट कर देंगे बेटा, ओके तो योर क्लास विल बी दैट इज 9 o'clock टू 12 o'clock, ओके PM और भी बराबर। तो 9 1 1, ओके इस तरीका से हम लोग करते हैं, क्या बेटा ठीक है बेटा, कल से टुमारो ऑनवर्ड्स उस तरीका से होंगे, ठीक है ओके।